विश्वास संगीत महोत्सव 2023 के तीसरे दिन के दोपहर के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बदलते स्वरूप चिंता एवं चिंतन, आज सुबह से आपने आदरणीय पंडित विजय शंकर मिश्र जी, डॉक्टर राम शंकर सिंह, प्रोफेसर राजेश केलकर जी और श्रीमती रेशमा श्रीवास्तव जी को सुना। आज दोपहर के इस प्रथम सत्र में, दोपहर के इस सत्र में सर्वप्रथम आमंत्रित करने जा रही हूँ गुरु पंडित सुशील जैन जी को, पंजाब घराने के डॉयन के नाम से अब आप जाने जाते हैं गुरु जी, उसका कारण भी बताऊंगी। केवल संगीत ही नहीं, ऐसा कौन सा विषय है जिस पर आपकी पकड़ नहीं, सिर्फ जानकारी नहीं, पकड़ नहीं? लैंग्वेजेस की बात करें तो संस्कृत, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, उस पर आपकी बहुत ज़बरदस्त कमांड है। गायन वादन की बात, तबला तो है ही, उसके अलावा अदर इंस्ट्रूमेंट्स, घरानों की चर्चा करें तो घरानों की बात, कोई शैलियों की बात करनी है तो उस शैली की बात। कल मैं नोट कर रही थी, जब गुरुजी जजमेंट के लिए बैठे हुए थे तो पखावज वाला जो पार्टिसिपेंट आया, कुछ महाराष्ट्र से थे, कुछ अयोध्या से थे, तो जैसे ही महाराष्ट्र वाले बैठे तो बोले ये नाना पानसे जी का घराना, अभी उसने सिर्फ थाप मारी थी और उन्होंने, जैसे ही वो अयोध्या वाला जो पार्टिसिपेंट था वो आके बैठा तो कुदव सिंह जी महाराज के घराने से, तो वो सिर्फ आने भर से एक थाप से ही इतना इतना रस हर चीज़ का निकाला जा चुका है कि वो सामने उनको सब दिखता है कि कौन क्या करने जा रहा है। आप सबको बताना चाहूँगी कि गुरुजी अपने कर कमलों द्वारा एक पोथी की रचना कर रहे हैं, जिसे आप ये मानिए कि बहुत बड़ा ग्रंथ के रूप में वो संगीत जगत को मिलने वाली है, जिसके लगभग शायद 2000 पेज रेडी हो चुके हैं, जिनमें गुरुजी की ही रूहानी ख्वाबे मसीहत की वो जो गुरुजी को मिल रहा है और हम सबको भी मिलेगा उसका प्रसाद, वो रचनाएं गुरुजी आने वाले युवा वर्ग के लिए और इस संगीत जगत के लिए अपने हाथ से लिख रहे हैं, उसका एक एक पेज। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं गुरुजी कि ईश्वर आपको लंबी आयु प्रदान करे, स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि ये संगीत जगत आपके आशीर्वाद से लाभान्वित होता रहे। मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पंडित सुशील जैन जी को। विमल जी से मेरा निवेदन कि गुरुजी को स्टेज तक छोड़ के आए प्लीज। इस सेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर रामशंकर सिंह और डॉक्टर राजेश केलकर जी अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। बाकी सारा मंच आपके हवाले, धन्यवाद। डॉक्टर आरती श्योकंद हमारे बीच कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से चेयरपर्सन मैडम आ चुकी हैं। आप सबसे निवेदन की जोरदार तालियों से मैम का पुनः स्वागत करें। विश्वास संगीत समिति का ये महोत्सव, संगीत महोत्सव, इस बार चार दिन का रखा गया। मैं तो इस परिवार से 10-12 साल का होऊंगा उस समय, तब से जुड़ा हुआ हूं। तो गुरुजी अयोध्या प्रसाद जी पाठक, उनसे और मेरे गुरुओं में गुरु लक्ष्मण सिंह सीन साहब ने भी उनसे बहुत सी चीज़ें
प्राप्त की थी। तो ये तो परिवार की तरह ही है, मेरे बच्चों की तरह है, कोई चक्कर नहीं। मेरा अपना ही ये प्रोग्राम है, मैं ऐसा समझता हूँ सदा, कोई उसमें नहीं है। हम लोग बड़े होते होते, मैं तो बैंक में सर्विस करता रहा, तो रिटायरमेंट के बाद ही मैंने ये सब शुरू किया है सब, क्योंकि उस समय तो समय नहीं मिला। वो अलग अलग मैनेजमेंट्स होती हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, आप लोग जो भी है जितना हो सका वो तो किया। हम लोग जैन बनिया या दूसरे जैनी के घर में लेकर के हम इस काबिल हो गए हैं कि आप लोगों के बीच बैठने के काबिल हो गए हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। संगीत का शौक रहा आज का, मैं कोई लेक्चरर तो नहीं हूँ जो रोज का आदी हूँ या जिसको याद होता है, कंठस्थ होता है अपना प्रोग्राम या कोई व्याख्यान होता है, मैं तो उस दिशा में कभी गया ही नहीं। तो मुझे इस समझ कर ड्यूटी दे दी गई है, शायद ये वैचारिक त्रुटि भी हो सकती है मैं उसमें ना सफल हूँ, कोई बात नहीं। आदरणीय पंडित विजय शंकर मिश्रा जी ने, यानी वो वैचारिक जो आच्छादन है उसके बादल अभी तक मेरे ऊपर, मेरे मस्तिष्क में छाए हुए हैं। वैदिक काल से लेकर के परंपराओं तक, उनके परिवर्तन तक, और उनके विशेष विशेष परिवर्तन, गायन का, नृत्य का, दूसरा सब उन्होंने टच किया। और मुझे तो 20-25 मिनट के लिए कहा था, मुझे तो मालूम भी नहीं कि क्या कहना है। और उन्होंने ये सब रूपरेखा, कारणभूत, उसके बाद परिस्थितिक जन्य जो हालात होते हैं, है ना, उसकी ज़रूरतें होती हैं, परिवेश बदलता है, जितनी भी काल परिस्थिति से ही सब परिवर्तन होता है, ये सब इट इज़ ऑल इनएविटेबल। ये प्रयोगवाद जो एवोल्यूशनरी है ना, एवोल्यूशन, इट इज़ इनएविटेबल, ये होता ही है, संसर्ति इत संसार है, वो संसार चलता रहेगा, परिवर्तन होते रहेंगे। लेकिन मूल रूप से संगीत वैभव की दुनिया का एक अंग है, जिसे मैंने कल स्वर्ग की दुनिया का कहा था, ये अंग है। और इसकी आवश्यकता भी शायद तब पड़ी होगी, इसीलिए पड़ी होगी कि जब आनंद का कोई सोर्स नहीं, मनोरंजन का कोई सोर्स नहीं है, तो कलाओं का सोर्स हुआ, ललित कलाओं में से ये एक कला मानी गई है। तो इसके लिए आज हम चलते चलते उस काल से लेकर के आज तक के काल में पहुंच गए हैं। अब ये देखेंगे कि परिस्थितियां कैसी होती रहीं हमारे इस सांस्कृतिक यात्रा में, यात्रा कहूँगा, दो ही प्रकार की विधियां चलती रहीं, आज भी वही दो हैं, आगमन और निगमन। आगमन और निगमन की ये दो रीतियां चलती रहीं, जिनमें आप, ये गोष्ठी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है, और इनकॉर्पोरेटाइजेशन भी आती है कि उसका अमली जामा हम कैसे पहनाते हैं। ये जो निगम लफ्ज़ आता है ना, कॉर्पोरेट निगम, है ना, चंडीगढ़ निगम, दिल्ली निगम बोर्ड, ये निगम उसी में से निकली हुई परंपरा में से निगम है। आगमन और निगमन पे बहुत रिसर्च हुआ हुआ है, सैकड़ों PhD हो चुकी हैं। उसके ही अंतर्गत हमारी ये यूनिवर्सिटी स्थापित हुई और यूनिवर्सिटी में ये सब आया। मैंने ये देखा है कि आपने इसको सब्जेक्ट तो लिया है वर्तमान परिदृश्य में, चिंतन जिस धातु से है वो है ही चिंता से जुड़ा हुआ, वैचारिक दृष्टिकोण, चिंता, चिंतन, और उसके बाद तीसरी स्टेज है चिता की। अब उससे बचते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, वहाँ तक ना पहुँच जाएं इसका चिंतन है।
तो चिंतन तो इतना आपने इतना कह दिया है, उसके आगे कहने की कोई बात, कोई क्षेत्र ही नहीं बचता। आपने इस तरह उसको कहा है, मुझे उस क्षेत्र को छूने की कोई है भी नहीं, ना मुझे अभ्यास है इस तरह का। लेकिन कुछ लिखा है, मैंने उसको किया था क्रमबद्धता में लेने के लिए, उसको देखता हूँ। मैंने ज़्यादा फोकस क्या किया है कि जब साहचर्य निकलता है, निचोड़ निकलता है, वहीं केंद्रित आके मेरा विचार फंसता है कि हमारी विद्यालयीन प्रणाली ही दोषी है। चाहे वो अवनति है, चाहे उन्नति है, चाहे वो प्रगति है, चाहे वो वर्धन है, संवर्धन है, जो भी है उसका, है ना, उसका फैलाव है, उसके अंतर्गत हम यही देखते हैं कि ये दोष का संकलन हो जाता है, दोष की आधान होता है, दोषों का आधान होने लगता है। तो उसको मैंने थोड़ा सा देखा था कि यही है कि जब भी हम किसी विषय पर चिंतन या वेक्षणा करने से उद्देश्य से गोष्ठी आदि का जैसे हम लोग आयोजन कर रहे हैं, तो उसका तात्पर्य क्या है कि किसी चलती आ रही परंपरा के, उसकी काल परिस्थितियों का, उसका तद अवर्तमान जो वर्तमान है उसका विवेचन, सांस्कृतिक विषय के ऊपर उसका विचार, उसका मंथन, यानी सम, क्रि और ति, यही संस्कृति हुई, सम, क्रि और ति, ये तीनों आ गए, उपसर्ग धातु प्रत्यय तीनों आ गए। यानी काल परिस्थिति से क्या हमारी सम्यकता है, वही चिंतन है। आज हम इस चिंतन को देरी से देख रहे हैं, लेकिन इस चिंतन का लाभ तभी है कि हम अब हम ही राजा हैं। अब राजा तो नहीं है, या गवर्नमेंट राजा है। अब गवर्नमेंट का कोई आदमी, उसका अधिकारी गण बैठा हो, या वो सुने, या उन तक आवाज़ पहुंचाई जाए, तब ये सफल हो सकता है। नहीं तो हम, ये फिर हमारा भी गया चिंतन, ऐसे ही रह जाएगा, ये पन्नों में रह जाएगा, पृष्ठों में। संगीत की सृष्टि की भांति ही संगीत हमारा, संगीत की सृष्टि है जैसे संसार की सृष्टि है। मैं इसे शिल्प कला मानता हूँ संगीत को। उसका कारण यह है कि ये बैखरी, जहाँ तक जहाँ बैखरी आती है वहाँ अर्थभाव होता है, वहाँ अर्थ निकलेगा तो भाव होगा, भाव होगा तो रस निष्पत्ति भी हो जाएगी। क्योंकि ये मध्यमा वाणी से उत्पन्न है, सारा जितना संगीत है ये हमारा मध्यमा वाणी से उत्पन्न है, है ना। ये बाकी तो सारा संगीत हमारा है ही, जितना है वो कंठ का संगीत है, है ना। जो वाद्य हैं जितने, वो मध्यमा वाणी के अंतर्गत आते हैं। ये शायद मैं पता भी होगा, ज्ञान होगा इस बात का। तो संगीता ध्वनिता निर्मीयते, है ना, उसी से ही ये शिल्प हम लोग करते हैं। अगर मगा माधा निशा करते हैं तो मगा माधा निशा हम उसको उकेरते हैं, स्वरों से उकेरते हैं। अब ये भी देखने की बात है कि हमारा राग तो वही रहता है, 100 बार राग इधर गाया, 100 बंदों ने राग गाया, वो राग वही है, उसकी चित्रावली अलग अलग होती है। ये उसी तरह है जैसे भगवान के मंदिरों की बनावट अलग हो, क्षेत्र भी अलग हो, उनकी शिल्पकला भी अलग हो, भगवान तो वही एक है। उसकी मूर्ति के अंदर बावजूद एक मूर्ति का नाम एक होते हुए भी भगवान तो वही है। ये सब इस तरह है, ये फैला हुआ, इसका फैलाव है, व्याप्ति है संगीत की। तो उसी प्रकार रागा रूपकृति विभिन्न कलाकारों द्वारा कल्पना भित्ति आकृतिकरण भिन्न भिन्न होने पर भी राग वही रहता है। हम स्वरों के संयोग से नादीय चित्रण अंकित करते हैं। अब क्योंकि एक कितिच अवस्था से हम चलते हैं, कितिच माने स्थिर अवस्था से, जब तक गति नहीं पकड़ेंगे, कितिचो ते गम्यतो, वहाँ उसके बाद गमन आएगा, वही गत है। ये सारा संगीत गत से अभिप्रेत है, उससे प्रादुर्भाव उसका गत का है, चाहे वो गायन है, वादन है, वो कायदा है, वो गत है या परण है, सब गत है और मन से उद्भूत है।
मन ही नहीं उसका संकल्प करेगा तो संगीत कैसे चलेगा, आगे चलेगा ही नहीं मन के आगे। वो मन की कृति है ये सब। ये तो एक संगीत के बारे में थोड़ा सा मैंने कहा। हमने बैखरी का सहारा तो लिया है, लेकिन ये पाटाक्षरी ये श्रुत काव्य है, और काव्यों की एक प्रकार जैसे होते हैं काव्यों के प्रकारों में एक चित्र काव्य भी होता है। ये चित्र काव्य है सारा जितना हमारा है ना। काव्य इसलिए है कि ये छंदस है, हम जो भी करते हैं वह छंदस स्वरूप में है, इसलिए ये काव्य है, काव्य रूपेण इसको कहा गया। छंदस इसलिए है कि आउट ऑफ द सिक्स ऑक्सिलरी डिसिप्लिन्स ऑफ द वेदास वन डिसिप्लिन ऑफ पिंगल इज इम्प्लाइड इन दिस विद्या। वो इसके अंदर इम्प्लाइड है, उसका संप्रेषण है, उसके बिना संगीत चलेगा ही नहीं, वहीं से ये आया है। अब भिन्न भिन्न काल स्थितियां जनयंती, भिन्न भिन्न काल स्थितियां होती हैं, भिन्न भिन्न कालों में स्थितियां बनती हैं, हमारे भी बनी। और ये जो सेवा सम्मान का प्रतीक था संगीत हमारा, उसको हमने थोड़ा सा व्यावसायिक रूप दे दिया। हमको पता भी नहीं चला कि हम व्यावसायिक हो गए। वो ट्रांजिशन का पीरियड ऐसा था कि इतना सोचने का समय नहीं था, आज सोच रहे हैं हम लोग। वो समय था सोचने का कि उसी समय साथ के साथ इसका हम लोग इसकी अवेक्षणा करते, सर्वेलेंस करते, सुपरविजन करते तो ज़्यादा अच्छा होता। मैंने सब घूम के फिर वही आता हूँ कि ये विद्यालीन प्रणाली ही दोषी है, मैं बार बार कहता हूँ। और कितनी बार मैं सोचता हूँ, इधर उधर घूम के आता है विचार, फिर कह यार नुक्स तो यहीं रहा, ये तो दोष तो यहीं है, वो यहीं आके केंद्रित हो जाता है विचार। ये हो गया, देखता हूँ। अब इसका प्रचार हमारे बुजुर्गों ने, भातखंडे जी ने, पंडित विष्णु दिगंबर जी ने, वो तो इसकी विकारों की अभिलिप्तता को दूर करने के लिए किया था कि ये विकारों की अभिलिप्तता जो आ रही है उसको हम थोड़ा रिमूव कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, तो समाज में थोड़ा जागृति हो और लेकिन राग विद्या भी फैले। ये दोनों तीनों उद्देश्य थे, वो थे उनके सांझे उद्देश्य थे। तो इसलिए शिक्षा पद्धति को शिक्षणार्थ इस रूप में रखा। और हमने इसको क्या किया, हमने इसको कॉलेज और स्कूलों में लगा दिया। वो जहां 8-8 घंटे के सब्जेक्ट हैं, 4-4 पीरियड लगते हैं, इसका भी पीरियड बीच में लगा दिया। अब ये तो 8 घंटे का अभ्यास का क्रम है, ये तो सवेर से लेकर शाम तक का है। खाना खाया तब भी वो अभ्यास, ये है तब भी अभ्यास, अभ्यास ही अभ्यास, कहीं जाना है तो स्टेज पे भी अभ्यास ही है, ये सब अभ्यास है। तो अभ्यास के क्रम को हमने रूपांतरित कर दिया। वो जो तपस्या का मार्ग था उसको हमने स्कूल कॉलेजों में स्थापित कर दिया। यही सबसे बड़ी भूल हुई है। अगर ये अच्छाई थी तो ये हमारी भूल है कि हमने सब साथ के साथ इसको नहीं दिया, देखा नहीं है, इस पर पुनर्विचार साथ के साथ नहीं करते रहे। अन्य विषयों के साथ समस्तरता पर संगीत को सम्मिलित करना, कला की बृहत्ता को समझे बिना ये सब हुआ, क्षमताओं का पूर्व आलंकन ही नहीं हो पाया कि इस बच्चे की क्षमता क्या है, ये गायन सीख भी पाएगा कि नहीं, उसकी कंठ गुणता क्या है ना। जैसे कंठ काकू का तो बाद में आएगा, कंठ काकू, स्वर काकू, ये राग काकू, अन्य राग काकू, ये सब विषय तो अलग है ना। तो लेकिन पहचान के लिए क्षमता क्या है, उस क्षमता का आंकलन किए बगैर हम एंट्री देते हैं। आ जा तू, बस प्रविष्टि है तेरी, फीस जमा करा, है ना, यही सच्चाई है ये। तो ना संस्थागत स्तर पर ना विद्यार्थी स्तर पर हुआ गया। ये जो यज्ञ लगाया था उसका तथास्तु ही बदल गया। हमको तो वो प्राप्त ही नहीं हुआ जो हम जिस उद्देश्य से हम इसको बनाया था। ऊपर से क्या हुआ, ये क्षेत्रीकरण हो गया, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो गया, ये इंटरनेट आ गया, ये और भी दुविधाजनक हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया जिसको बोलते हैं ना, अव्यवस्थित हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब
कलाकारों के इस समय हालात में, जैसे है ना पंडित जी ने बताया, उधर उन्होंने भी बताया कि हमारा ये स्वार्थ का प्रलोभन जो है, ये अवस्था हमारी बढ़ती जा रही है। एक कलाकार को पूछे हो कि भाई आप इधर आए, वो बोलता है रिलायंस वाले तो मुझे इतने पैसा देते हैं, और दूसरा बोलेगा मेरे को तो ये जिंदल वाले इतने देते हैं, मैं तो नहीं आऊँगा, इंडियन ऑयल इतना देता है। ये सब लेवल हो चुका है, उनको कोई मतलब नहीं आपके एजुकेशन से, वो एक अलग इलाइट क्लास बन चुकी है, ये अलग इलाइट क्लास बन चुकी है। शीघ्रता शीघ्राति शीघ्र प्रसिद्धि पाकर यश प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है, ये ठीक है, ठीक है। अब भुक्तिवाद में तो कुछ प्राप्त भी होता है, यहां क्या चल रहा है, युक्तिवाद, ये युक्ति है, वो युक्ति लड़ाते हैं। हम लोगों को तो पता भी नहीं लगता क्या हो रहा है, हम लोग तो अपने वही स्टूडेंट्स को देख रहे हैं क्या हो रहा है। पंडित जी ने कहा हमारी यात्रा कहाँ से चलेगी, वीणा के प्रकारों से, दूसरे से, संतूर पे आ गए, गिटार पे आ गए, ये सब हो गया। आज हम गिटार पे भी हैं, ये गिटार के रूप भी हैं हमारे सामने, बहुत से रूप आ गए हैं जैसा बताया उन्होंने। तो ये यात्रा ध्रुपद से ख्याल शैली, ख्याल से ये वीणा से सितार, ये सब हम पहुँचे, इसकी ज़रूरत नहीं है, बहुत विस्तृत उन्होंने कह दिया। और सदा कहते हैं हम लोग तो इसके सामर्थ्य में भी नहीं है इतना। एक चीज और है कि जब तक आप जन रुचि की बदलने वाली प्रवृत्ति को याप्य नहीं कर लेते, कुंजी आपके हाथ में नहीं आ जाती, तब तक आप उसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। ये दुरुपयोग की कुंजी हाथ में आ गई है बहुत से लोगों के, कि कैसे इनको बदलना है। मतलब मैं केवल सांकेतिक बोल रहा हूँ, वो उसका तो बहुत विस्तृत है हिसाब किताब, कहीं कहीं की एग्जाम्पल देंगे। अच्छा, प्रचार इतना हो गया कि एक जन समूह है आपके पास श्रोताओं का, श्रोताओं की अपनी अपनी समझ होती है, उनका शऊर अलग अलग होता है, और मति अलग अलग है, धृति अलग अलग है, सबके पास परमात्मा ने अलग अलग दिया है, उसके अनुसार उनकी बोध गम्यता अलग होती है, रुचि अलग है, बोध गम्यता अलग है, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी अलग होगी। वो आपने अगर 20 मिनट का गाना गाया है, हो सकता है उनको 2 मिनट वाला अच्छा लगा हो, उसके 18 मिनट वाला नहीं पता उनको क्या है। तो ये स्थितियां कब बनती हैं, जब साथ के साथ हम विचार नहीं कर पाए। आज हम मंथन कर रहे हैं, ये जस्ट हिंट है, मैं ऐसी बात नहीं करता, एक बात उतरती है दिमाग में कि ये भी कारण तो है ना। उसके बाद ये तेरी मेरी उसकी रुचि की स्थिरता भिन्न होने के कारण आगे बढ़ने की ललक से अपेक्षित प्रयत्नता, ये उसकी अवहेलना हो रही है ना, सब अवहेलना हो रही है, स्तर की अवहेलना है। अब शास्त्रीयता, वही चक्कर आ गई कि शास्त्रीयता किसको पसंद है, नियम तो किसी को पसंद नहीं होता। अब शास्त्रीयता से हटकर आप अंधाधुंध तैयारी वाले प्रयोग करेंगे, जैसा आपने कहा अंधाधुंध प्रयास, वो उसमें हो सकता है, क्योंकि जन समूह इतना बड़ा हो चुका है कि हम गिनती में ही नहीं है पारखी लोग, वो उनकी रुचि के अनुसार कर रहे हैं। इस अतिरेक ने शास्त्रीयता का स्वरूप बिगाड़ना शुरू कर दिया है, या हो चुका है, या अंश मात्र है, या हो जाएगा, ऐसी स्थिति है। नए रागों का गाना बजाना, आपने कहा मिक्स करके बजाते हैं, ये भी एक घटन हो रहा है, ट्रांसपायरी है, इट्स ए सॉर्ट ऑफ ट्रांसपायरी। अब वो क्यों करते हैं, दो उद्देश्य हो सकते हैं, अपनी विद्वत्ता दिखाने का, या दूसरा आलोचना से बचने का, आलोचना से बचने का, कि अभी पता ही नहीं चलेगा हमने क्या किया है, मगा माधा जाना है कि गामा धानी जाना है, जाता जाते कोई नहीं देखता है, ठीक है जाएंगे, हमने तो नाम ही ये रख दिया है। तो ये बचाव पक्ष, ये हमारे ऊपर हावी होने लगा है, इट्स जस्ट हैपनिंग टू प्रिवेल अपॉन अस, है ना, ये सब होने लगा है अब।
तो बचने का मार्ग है। अब मार्ग तो ठीक है भाई, मार्ग तो ठीक है, इस स्केल पे होगा कि ये एक उपरीति ही बन जाएगी, ये तो उपरीति बनने लगी है एक आज। तो धीरे धीरे स्तरता अपनी सत्ता खोएगी या खो रही है। जहाँ गुरुकुल आदि अभी ये जो आप है ना, ये आपके डिपार्टमेंट बन रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, आर्ट का, परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो ये थोड़ा थोड़ा गुरुकुल का परिदृश्य है, गुरुकुल के तरह ना ये सब बन रहा है, तो व्यवस्थाएं हुई हैं वहाँ, कुछ ये बचाव कार्य संभव हुआ है। मैंने देखा आपके बड़ौदा में, ठीक है ना, वहाँ अच्छे बच्चे हैं सारे। अब क्यों ये क्यों होता है, आप वहाँ गुरुजनों को लेके आ रहे हैं, क्योंकि संकाया जो है, संकाया है, सहज है, अमर गुणास्ति, वो तो अमर गुण है, वो तो इनबॉर्न एक टैलेंटेड फॉर्म में आता है संकाय के पास, है ना, उसकी ये गुणवत्ता होती है फैकल्टी की। फैकल्टी आदमी नहीं होता, एक बात समझ लो, आदमी फैकल्टी नहीं होता, आदमी के अंदर जो गुणवत्ता है वह फैकल्टी होती है। ये बहुत सा भ्रम है कि केलकर जी फैकल्टी है वहां, केलकर जी के अंदर फैकल्टी है, वो है जो परमात्मा ने दी है, जो इन बॉर्न आई है हमारे साथ। तो ऐसे ही लोगों की तलाश करके हमको करना पड़ेगा, अभी थोड़ा थोड़ा होने लगा है, अच्छी बात है। ये इस तरह का ये विचार। अब आ जाइए, मैं तबला का क्षेत्र का व्यक्ति माना जाता हूँ थोड़ा बहुत, चलो जैसा भी है। अब नृत्य वाद्यों की ओर आ जाइए आप, एक नया प्रयोग जन्म ले रहा है, उससे भी खबरदारी की जरूरत है। क्या है ये? दक्षिण पद्धति, ये दक्षिण की पद्धति इंटरमिंगलिंग होने लगी है हमारे साथ। मनी चाचा 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 चाचा, उनका कोई अर्थ ही नहीं है कोई भी साथ में। हमारे तो तांसा और उसके बाद दुक्कड़ पहले ही व्रज्यावाणी संकलित है, सम्मिलित है हमारे क्षेत्र, हमारे इस विधा में ये वाणी पहले ही संकलित है। और मात्र आप प्रैक्टिस करने वाली चीज को उसके साथ मिला करके बैठ के रियाज करते हैं, क्या होगा कि वही अभ्यास आप पब्लिक को देने परोसने लगेंगे। उसी तरह का आप युजबंदी निकालेंगे कि मेरे साथ ये बैठेगा, और फिर प्रोग्राम बनाएंगे कि भी मैंने दक्षिण का ही बजाना है, आज हम दक्षिण का बजाएंगे। क्यों, आपका कहाँ गया भाई, आपका अपना कहाँ है, वो तो दिखाओ। तो ये एक साधन है, ये हमारे ऊपर एक हावी हो रहा है। मैं इसको देखता हूँ मैंने क्या लिखा है, कि वहाँ मृदंग मुख्य साज है, जो साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में कुछ सीमा तक रूपांतरण, चमत्कृतता, छंद प्रतीति यानी वांग्मय संबंधित वैशिष्ट्य झलकाता है, है उसके अंदर गुणवत्ता है। उत्तर भारत की शैली में, उत्तर भारत की शैली में छंदस रूपता, हमारे खासतौर से बनारस घराने के अंदर छंदस रूपता कायम है, खुला बाज अभी तक खुला बाज है, छंदस रूपता, व्रज्यावाणी, काव्यिक रूपता, वर्ण सृष्टि, यति प्रदर्शन, वर्ण वैवर्ण, नाद परिणति का वैभव, गणित आधारित चक्रकार, चक्रधारी जो हमारी गतियों के प्रकार हैं, और उसके बाद गणादित का रूप वैभव, देवत्व फल, स्तुति परण, नादी रूपता, काकू का प्रत्यक्षीकरण, साहित्यिक अंग रूपता, आभास, अनुप्रास्ता, यमकत्व, छंदों की गतें, वर्ण कीर्ति, नाद गुणत्व, वर्णों की, अरे क्या नहीं है हमारे यहाँ। दक्षिण को क्यों मिला रहे हो, ये चीज ये नहीं आ रही। मैं तबले के परिदृश्य बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें होने लगी हैं, तो एक फैशन जन्म ले रहा है, तो बहुत बहुत से लोग हो रहे हैं। ये मैं इसको क्या मानता हूँ, केवल व्यायाम, ये व्यायाम की क्रिया है जो हमारे साहित्य के अंदर इंट्रीब्यूशन हो रही है, इंट्रीब्यूट कर रहा है ना, केवलम व्यायाम एव लस्य दृढ़ीकरणाय अभ्यास करना अस्ति, तो उसके कारण ये तो अभ्यास ही है, मात्र अभ्यास है। हमारे वांग्मय में साहित्य गुणवत्ता विद्यमान है, ये जो जितने आपने ये बनाए हुए हैं, ये बल, पेंच, फंदा, ये पता नहीं क्या क्या शब्द उस काल में बने हैं, हमारे पहले ही हैं, क्षेप है,
चाप है, मींड है, गांठ है ना, ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ग्रंथि है, और लसन क्रिया है, उसके बाद छंदस है, नौष्ट स्यापिता है। जैसे बेड़ी में हम जाते हैं तो बेड़ी अंदर से होकर के एकदम ऊपर आती है तो उसको नौष्ट स्यापिता बोलते हैं, है ना। तो ऐसे बोलों के से, बोलों से हम लोग अभिप्राय लेते हैं, उसका प्राकट्य लेते हैं। अब उनके अच्छा दूसरी चीज है पसारे भी है हमारे। पसारे क्या होता है मैं आज बताऊं थोड़ा सा, कि हम नाव में बैठते हैं या गाड़ी में कई बार बैठे हैं, जहाज में भी बैठते हैं, तो धरती घूमती है ना, धरती घूमती है, कभी ऐसा लगता है धरती घूमती है, तो वही पसारे का हिस्सा है। यानी पसारा पाना वो एरिया को घेर रहा है सारा, इसको पसारे बोलते हैं। दूसरा अभी जेम्बे, ये कॉन्गो बोंगो जेम्बे चलने लगा है, अरे घरानेदार लोग उस पर गते बजाने लगे हैं। बताओ भाई, आप घरानेदार हो उस पर गते बजा रहे हो धादी, दिन दिन तिट तिट घे दिन, उसमें धा तो बताओ कहां है, उसकी अपनी वाणी ही नहीं है जेम्बे की। यानी जिन लोगों को विचार करना चाहिए कि हमें ये नहीं करना चाहिए, वो ही इसमें अग्रसर हैं। ये एक नया रूप ले रहा है, मैं इस रूप से चिंतित हूं क्योंकि तबला मेरा विषय है, तो मैं इस रूप से चिंतित हूं मैं काफी। कारण पता क्या है, ना तो हमारे हमारे ये जितना तबले का ये जो है ना, जो बनावट बनावट जो है, इसमें तीन ब्रह्म स्थान हैं, शिरो कंठ और वक्षस्थल, उसके बाद पांच मुख के हैं, आठ और उसके बाद उष्ण व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। ये सब उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे 10-11 वर्ण देते हैं, ये ठीक है ना, 10-11 वर्णों से। तो हमारे पास तो सब कुछ है, अनुनासिक का ट्रांसफॉर्मेशन भी है, उसकी ट्रांसलिट्रेशन है, अनुस्वार की भी है, उष्ण व्यंजनों की भी है, संयुक्त व्यंजनों की भी है, अरे उसमें तो बताओ जेम्बे में होता क्या है। यानी जो आयोजक हैं, आयोजक भी उसमें लगे हुए हैं, बुलाओ जेम्बे वाले को और साथ में तबला रख दो, ये आ गया, ये जेम्बे के साथ बजाता है। बचना चाहिए, हम संस्कृति के वाहक हैं, हमारे द्वारा संस्कृति है, हमें हमारे पे जिम्मेदारी है कि हम अपनी संस्कृति को संभालें। ये सूक्ष्म विचार सदाई रखना चाहिए, अगर गुरुओं ने नहीं दिया तो कहीं से भी मिलता है विचार का, उस विचार के वाहक बनिए, उसके संरक्षक बनिए, ये हमारी कर्तव्य प्रायणता है इस तरह का। अच्छा ये वृक्ष है, अब मैंने ये भी लिख दिया कि वृक्षानादेशु वर्ण कीर्ति कुतः आगमिष्यति, ये तो वृक्षनाद है, इसके अंदर क्या आएगा, वर्ण कीर्ति कैसे आएगी भाई, ताम क्राम ताम ताम गिदान तरान तरान कहाँ आएगा, है ही नहीं। तो ये वृक्षनाद है, सब अर्थ बिल्कुल कीर्ति विहीन है, आयोजक मैंने बोल ही दिया है। अभी टेलीविजन पे भी ये कुछ ऐसा टैलेंट नजर आने लगा है कि बहुत से लोग गुरु की पदवी प्राप्त कर रहे हैं, टेलीविजन पे आ रहा है, और टैलेंट इतना ज्यादा है कि उसका मार्ग ही आप च्युत कर रहे हैं, उसका मार्ग च्युतिकरण हो रहा है, वो लोग इतना सीख के बढ़िया बन सकते हैं, आप शॉर्टकट दे रहे हैं, ओवरनाइट शॉर्टकट वे आ जा, पैसा ही पैसा है। तो दोनों तरफ हमको मार, यूनिवर्सिटी से भी, कॉलेज से भी, स्कूल से भी, वातावरण से भी, ये मार पड़ रही है हमारे संगीत की संस्कृति पे। अच्छा फिर देखिए क्या क्या चक्कर हुआ आजकल, देखिए अब फिल्मी गाने चलते हैं ना, वो म्यूजिक वही है, गाने भी वही हैं, गालो, क्योंकि आपके पास मटेरियल ही नया नहीं है, ना कोई शायर रहा, शायर ऐसे हैं जैसे वो पढ़ता है कविता, ये शायरों का काम हुआ हुआ है, शायर कहाँ से आएंगे, आपने वो वातावरण ही उड़ा दिया सारा, कुछ ये यंत्रकारी आ गई सारी, है ना, वो जो उसको बोलते हैं आप, ये सब हो गया। तो संगीत बदल रहा है, इस तरह का संगीत बदल रहा है, मेरा ख्याल है
मैंने अलग अलग तरीके से इसको पकड़ा है, बाकी तो ठीक है। तो संकेत आपको दे रहा हूं कि भाई देखो, एक तो श्रोता वर्ग में जागरूकता चाहिए। अब तालियां बटोरने के लिए कोई तैयारी उस तरह की करके आ जाता है तो आप तालियां मारेंगे तो नेचुरली या उस तरह का प्रभाव भी जनता पे रहेगा, जनता की सोच बदलेगी कि यही अच्छा होता है भाई, ये ताली बजती है यही अच्छा होता है, इसी को करना है हमको भी। तो वृत्ति परिचलन जो है, वृत्ति परिचलन ये दोषपूर्ण वृत्ति परिचलन है। हमारी वृत्ति को बदल करके ये लोग हांक रहे हैं, हमारी वृत्ति के घोड़े बन गए हैं, हमारी वृत्ति के, हमारे माइंड पे कंट्रोल कर लिया इन्होंने, वही चला रहे हैं। आप जा रहे हैं उस ओर। अभी ताकि वह गुणवत्ता स्थापित रहे, ये विद्यजनों की कर्तव्य प्रायणता का रूप है। मात्र एवोल्यूशन या डायनामिक प्रवृत्ति को आगे रखकर मन मर्जी का संगीत परोसना ये स्वार्थ वृत्ति से संश्लिष्ट है। श्रोता वर्ग में जागृता लाने के लिए प्रेरणादायक गोष्ठियां हो, हम लोग इस तरह विचार करें बार बार कि भी अब हमारे शहर में कहाँ हुआ ऐसा, उसको रोको। अरे गौ हत्या होती है तो वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ आके कोई दोषपूर्ण करता है यहाँ भी इकट्ठे हो जाओ कि हमारा संगीत बिगाड़ रहे हो, है ना, वहां इकट्ठे हो जाएंगे, यहां कोई है ही नहीं, स्वार्थी स्वार्थ घूम रहा है। आप अभी है नहीं कोई यूनिवर्सिटी का आदमी कि अगर हम प्रविष्टि के समय, प्रविष्टि जब हम प्रवेश देते हैं, आपके ऊपर कॉन्स्टेंट्स आई नो दैट नीड्स नॉट टू बी एक्सप्लेन्ड और डिस्कस्ड कि 50-50 स्टूडेंट चाहिए, इट्स ए बर्डन सम, है ना, इट्स एन ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द, कहाँ से लाएंगे, गांव से लाएंगे, गांव के लोग क्या है, बोला वो बोले जरा देख तो ऐसे वो तान लगा रहा इतना लंबा उसका गीसा है, वो तान कब बनेगी, उसको गाना क्यों सिखा रहे हो भाई, क्यों प्रविष्टि दे रहे हो, ये स्वार्थ है। ये तो मार्ग भूखमरी का मार्ग था, तपस्या का मार्ग था, कर्तव्य परायणता का मार्ग था, एकदम सेवा का मार्ग था, समाज सेवा का। आपने सब परिदृश्य ही बदल दिया है। सरकार के लोग देखें वही है मालिक, तो हम लोगों के क्या है, हम लोग तो बस यही आयोजित किया, थोड़ा बहुत फंड किया, इकट्ठा किया, ठीक है। दाद देने वाले अब आप ही हैं, राजा तो है नहीं, आप ही दाद देंगे, आपके अनुरूप होगा तो चलेगा ना। तो आपकी अनुरूपता को बदलने की आवश्यकता है कि आप क्या मांगे, वो क्या स्तर हो जो आप मांगे, उसको बदलने की आवश्यकता है। ये मेरा सार है इस बात का। और प्रविष्टि के समय योग्यता देखिए, उसकी जांच पड़ताल करिए और उसके मुस्तबिल को भांकिए कि ये कुछ कर भी पाएगा कि नहीं करेगा। तो केवल अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ये संश्लिष्ट जो स्वार्थ है, ये हमारी अवनति का कारण बन सकता है ना। क्योंकि जो लोग अब पीएचडी कितने लोगों ने कर लिया, बहुत से लोग पीएचडी कर गए लेकिन वो खाली पड़े हैं, कोई पोस्ट नहीं है, सब भर गई हैं, अब वो क्या करेंगे, वो जो निम्न स्तर था उसी से गुजारा करने चले, कोई एकेडमी खोल लेगा, कोई कुछ करेगा, कोई इधर जाएगा उधर जाएगा, वो सब फिर रेट्रोग्रेडेशन ऑफ दी जो लेवल है दैट कॉन्टिन्यूज टू फ्लो, वो वही रहता है। तो आकुलता, व्याकुलता, अवसाद, ये असफलता, ये बेजारी, ये निराशा बहुत से लोगों को घर करेगी भाई, वो भी हमारे में से ही निकले हैं, हमने ही उनको पढ़ाया है, वो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये सीमित होना चाहिए, सीमित करिए यहाँ की एडमिशन, ये सीमित होनी चाहिए संख्या। और या दूसरा तरीका जो आपने किया है कि गुरुकुल परम्परा को साथ में मिलाइए, उसका तादात्म्य करिए, उसका समन्वय प्राप्त करिए, उनको 2-4 महीने के बुलाए, उनको कुछ अधिकार तो दीजिए, हम ही परीक्षक, हम ही समीक्षक, हम ही परीक्षक और हम ही समीक्षक, ये क्वार्टर नंबर है हमने देंगे, क्या सेमेस्टर सिस्टम बोलते हैं, हाँ सेमेस्टर, ये दिया, ये नंबर दिया, वो दिया, हम ही तो हैं सारे। अरे गुरुओं को बुलाइए, वो पास करें कि ये पास है या नहीं, नहीं तो जरा रोको, इसको जड़ से पकड़ना पड़ेगा। मैंने तो जड़ को छेड़ा है, मैंने उतना तो मैं नहीं हूँ, मैं कॉलेज से कोई निकला विद्यार्थी तो नहीं हूँ,
या प्रोफेसर ने पढ़ाया है हमको, हम लोग तो कच्ची पास वही हैं, पुराने लोग हैं, पादे से पड़े हुए हैं। तो उस तरह का ये विचार है कि भाई नियामकता की कमी है इसलिए खिसकने लगी जमी है। चलो खत्म। धन्यवाद, आभार सर। आप अभी मंच पर रहे, मैं मंच पर पंडित शीतल प्रसाद मिश्र जी, पंडित शीतल प्रसाद मिश्र जी से अनुग्रह है मेरा और पंडित विजय शंकर मिश्र जी से अनुग्रह है, आप मंच पर जाएं और स्मृति चिन्ह देकर सर को सम्मानित करें। बहुत ही प्रेरक सार्थक आज का ये हमने सर आपका अनुभव है, और मुझे वो एक याद आ रही है चीज़, नाना पुराण निगमागम क्वचिदन्योपि, लेकिन ऐसा करते हुए अपने होश ना गवा दें कि ताकि हमारा मूल टूट जाए, और जब हम जड़ से कटते हैं तो मर जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सर का एक मैसेज बहुत अच्छा है, मैं खासकर जो यहाँ शोधार्थी बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, जागरूक हो जाएं, सच को कहना सीखें, अन्यथा सचमुच बहुत गिरावट है, बहुत गिरावट है, ये सीख लेने की ज़रूरत है। और ऐसे गुरु अभी हमारे पास बैठे हैं, कोई बात नहीं, हमें कम आता है, ये कोई गुनाह नहीं है, शरण में तो चले जाएं, सीखना प्रारंभ करें। बहुत ही बढ़िया आज का ये लेक्चर, और ये मैं लगता हूँ हम सब के लिए बोध है, यही हमारा शोध है। और ये स्मृति चिन्ह से सम्मानित करते हुए पंडित शीतल प्रसाद मिश्र जी, बहुत ही हमारे अजीज, और ये मिलन मंच पर बहुत कुछ सिखाता है हमें। हाँ, ये देखिए बनारस और पंजाब का मिलन, क्या बात है, ये मंच सचमुच कैसी कैसी हमें यादें दे रहा है, ये सदैव स्मरणीय रहेंगी। और विश्वास संगीत महोत्सव 2023 के आयोजकों को उसका श्रेय जाता है कि उन्होंने एक मंच पर हम सबको एकत्रित किया है।